अच्छा तो दोस्तों आज है हम मूसापेट में। मूसापेट में हमको एक अम्मा दिख गई है जो बनाती है भाकरी। मराठी में भाकरी बोलते हैं, हिंदी में ज्वारे का रोटी बोलते हैं। आपकी उम्र क्या है अम्मा? क्या क्या उधर बैठे देखो उसको पूछो। और उम्र क्या है इनकी? इनकी 50-60 है। 50 तो नहीं लगती अम्मा। अच्छा तो अम्मा की उम्र 50 ऐसा बोल रहा है बट मुझे नहीं लग रहा है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? अच्छा आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। अच्छा तो अम्मा बस यहाँ पे रोटी बनाती हो? आप सालन वगैरह भी देती हो? सालन नहीं बनाते, रोटी बनाते। सिर्फ रोटी बनाते हो? अच्छा हमारे को लगता है तो रोटियां लेको जाना, सालन लाके खाना। अच्छा तो हैदराबाद में ऐसा कल्चर है कि आपको रोटी के भी स्टॉल्स मिल जाते हैं। ये रोटी नहीं, इसको भाकरी बोलते हैं, महाराष्ट्रीयन प्रकार है ये। क्या मराठी येता आपको? आता है मराठी हो आप? अरे क्या बात है, मी पण मराठी। डॅड आई काही द्या। हां याला भाकरी म्हणतात ना? हां भाकरी, मराठी मध्ये भाकरी। अच्छा तो दोस्तों ये महाराष्ट्र मेट विथ हैदराबाद तेलंगाना, ऐसा हो गया ये पूरा मराठी कन्नड़ा। अच्छा आप हिंदी में बात करो फिलहाल। हिंदी में रोटी जवारी का रोटी। ऐसा पूरा देखो दोस्तों, ऐसे इस पे ही गुंदा जाता है पाटले पे। जवारी का रोटी क्या अम्मा? 3 साल से कर रहे इधर। 3 साल से कर रहे हो? वाह और दोस्तों देखिए चूल्हे पे बनाई जाती है पूरी। चूल्हा जो होता है चूल्हे पे, ये पूरा तामझाम है इनका। गैस का उपयोग नहीं किया जाता है, ये चूल्हा वैसे जलाने को बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। हाँ। और अम्मा सारी की सारी मेहनत खुद ही करती है। हाँ। क्या बात है। अम्मा आप पहले क्या करते थे फिर भाकरी बनाने के? क्या घर में बैठते थे, काम करते। अच्छा मतलब आप हाउस वाइफ थी और अभी आप मतलब घर पे काम करते थे और अभी आप खुद का बिजनेस करते हो, क्या बात है। मतलब दिमाग में ऐसा सोचा कैसे कि आप ये रोटियां बेचोगे? इधर करे उधर करे, किराएदारा उधर वो सामने करे। हाँ ऐसा कर रहे हम लोग, ये खरीदे देखेंगे, हमारा घर इधर बाजू से। आपके 2-4 ब्रांचेस है मतलब? 2-3। तो दोस्तों ये कह रही है कि यहाँ पे भी एक ब्रांच है उनकी, यहाँ पे भी एक ब्रांच है, तो ऐसे 2-3 ब्रांच है और ये इनका पीछे ही घर है। 3 साल में इन्होंने इतना अपग्रेड कर लिया है। क्या सब लोग कर रहे नया किराएदार आके हम घर वाले हैं? अच्छा ऐसा क्या? दोस्तों भाकरी जो है फूल गई है। इसको आप इंजॉय कर सकते हो भाकरी को, सालन के साथ, मटन के साथ, किसी के भी साथ पेयर कर सकते हो आप। देखिए भाकरी यहाँ पे बन के ऐसे। कितने रुपए की एक भाकरी? 15 रुपए की एक भाकरी। बाप रे वाओ, बहुत खुश है यार डीजे आप। क्या बोल रहे हो अम्मा? पानी डालते हैं। हाँ पानी डालना पड़ता है रोटी को, आप देखोगे दोस्तों पानी नहीं डालना पड़ता है, भाकरी को डालना पड़ता है। रोटी का तेल हाँ तेल लगाना पड़ता है इसको,
रोटी को तेल लगाना पड़ता है, भाकरी को पानी लगाना पड़ता है, तो भाकरी एनी डे बेटर होती है। दोस्तों भाकरी के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं, न्यूट्रिशनल फायदे ऐसे हैं कि रोटी में सिंपल कार्ब्स होते हैं, भाकरी में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, तो पचाने के लिए भाकरी थोड़ी सी जड़ होती है, तो उसके वजह से पेट ठंडा रहता है। अच्छा अच्छा ताकत आता है। आप मतलब रोटी खाते ही नहीं हो? आप भाकरी ही खाते हो? दोस्तों महाराष्ट्रियन जो ओल्ड वुमेन है उनका ये स्टेपल डाइट है कि ये भाकरी ही खाती है। तो देखिए इतना मतलब इतनी उम्र होके भी ये इतनी यंग लगती है। इनका शायद से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी वजह से इनको थोड़ा सा उम्र पता नहीं है आपको। पाँच बजे आते हो और 11 बजे तक यहीं पे रहते हो? कितना रोटी बनाना पड़ता है आपको भाकरी? 70-80 रोटी बनाते। कितना? 70-80 रोटी होता। 70-80 रोटी बना लेते हो, भाकरी बना लेते हो? अच्छा तो दोस्तों अगर आपको इनकी स्पेशल भाकरी खानी है तो आप आइए मूसा पेट में, माता रानी के मंदिर के सामने, मतलब थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको ये इनका पूरा, क्या बोल रही हो? अच्छा म्यूनिसिपल ऑफिस है, हाँ हनुमान मंदिर है, तो हनुमान मंदिर के सामने आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। अम्मा के हाथ की गर्मा गर्म भाकरी खाने जरूर आइएगा। अगर घर में सब्जी बनी हो और आपके पास रोटी या फिर भाकरी का इंतजाम ना हो तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नान रोटी ये सब चीज़ें जो है ना इसको बीट नहीं कर पाएंगी, टेस्ट में ये बहुत ही बढ़िया होती है, हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होती है। तो आइए ज़रूर और विजिट करिए और अम्मा को ज़रूर मिलना। 15 रुपए की सिर्फ भाकरी है ये।